हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पार्टन। सो लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हड़प्पन कल्चर। सो टुडे वी विल डिस्कस वैदिक कल्चर, एंड वैदिक कल्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड वैदिक लिटरेचर एंड देयर इम्पोर्टेंस, ऋग्वैदिक एज एंड इट्स कल्चर, लेटर वैदिक एज एंड इट्स कल्चर। लास्ट वीडियोज़ में हमने हड़प्पन कल्चर के बारे में देख चुके हैं और आज हम वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हड़प्पन के बाद आता है वैदिक पीरियड। सो द अर्लियर वैदिक पीरियड, जिसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी था। उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी था, है ना। जो होम ऑफ आर्यन से इस, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर वेरियस थ्योरीज अलग अलग थ्योरीस्टों के द्वारा बताई गई है। सो उनमें से एक थ्योरी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जिन्होंने आर्ग्यू करा है कि जो आर्यंस हैं दे आर कम फ्रॉम द आर्कटिक रीजन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। सो अब हम डिस्कस करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। सो वैदिक लिटरेचर जो है कंसिस्ट करता है फोर वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। तो जो ऋग्वेदा है दैट इज़ द अर्लीस्ट ऑफ फोर वेदास, जो कि कंसिस्ट है 1028 ह्यूमन्स। और जो यजुर्वेद है दैट इज़ कंसिस्ट वेरियस डिटेल्स ऑफ रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस, जो अलग अलग टाइप के यज्ञ होते थे उनके बारे में डिटेल दी गई है, जो सेक्रीफाइस के टाइम पर जो रिचुअल्स होते थे वो दिया हुआ है। और सामवेद है दैट इज़ सेट टू ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस। तो जो सेक्रीफाइस करते थे उस समय जो भी श्लोक वगैरह बोले जाते थे, तो जो दिए और जो भी ट्यून वगैरह, मतलब जो भी सॉन्ग्स वगैरह है वो सब सामवेदा में दिया हुआ है। फिर एक बुक है जो कि चैंट करती है सामवेदा में, जो कि इंडियन म्यूजिक को ट्रेस करती है। फिर अर्थवेदा, अर्थवेदा में डिटेल्ड रिचुअल्स के बारे में दिया हुआ है कि जो भी रिचुअल्स होते थे उसके बारे में। फिर उस टाइम पर कुछ बुक भी लिखी गई, हम कुछ ऑथर देखते हैं जिन्होंने बुक लिखी है, जैसे रामायण वाल्मीकि द्वारा और महाभारत जो कि वेदव्यास द्वारा। अब हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक एज और अर्लियर वैदिक पीरियड। सो जो ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड आर्यंस आर मोस्टली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन। तो जो आर्यन थे वो इंडस रीजन से आए थे, तो वो वहाँ उसके बारे में दिया हुआ है कि आर्यंस वहाँ पर रुके थे। फिर उसके बाद जो ऋग्वेद है, जो कि रिफ़र करता है सप्त सिंधु लैंड को, सप्त सिंधु दैट इज़ सप्त सिंधु इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर सात नदियों का मिलन था समथिंग, तो इसलिए उसको सप्त सिंधु कहते हैं। तो उसमें से पाँच तो पंजाब की नदियाँ थी, सो फाइव रिवर्स ऑफ पंजाब, नेमली झेलम, चेनाब, रावी, बेस, सतलज और उसके साथ में इंडस और सरस्वती। तो ये सात नदी को सप्त सिंधु कहा गया है, सप्त सिंधु लैंड। सो अब हम जानेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ का, कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी वहाँ पर। तो जो बेसिक यूनिट थी वहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उनको कुल और फैमिली कहते थे। तो जो कुछ फैमिली जॉइंट फैमिली टुगेदर जो कि क्या फॉर्म करती थी विलेज, कि जो बहुत सारी फैमिली है वो मिलकर विलेज बनाती थी, और या तो फिर ग्राम बोलते हैं उसको, ग्रामा, लीडर ऑफ ग्रामा जिसको हम बोलते थे ग्रामीणी, मतलब जो भी जॉइंट फैमिली थी जो विलेज फॉर्म करती थी उसका लीडर होता था उसको ग्रामीणी बोलते थे। अब जब ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं, अभी तो हमने ग्राम और विलेज बना लिया, अब जो विलेजेस होते थे उन सब का ग्रुप होता था तो उसको हम बोलते थे विशु, क्या बोलते थे विशु, और उसको हेड करता था विश्वपति, उस विषय को हेड करता था विश्वपति, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी उस समय विश्वपति, उसके हाईएस्ट जो पॉलिटिकल यूनिट थी उसको हम क्या बोलते थे जना ट्राइब, क्या कहते थे जना। और देयर वर सर्वल ट्रिबल ट्राइबल किंगडम्स ड्यूरिंग ऋग्वैदिक पीरियड, तो वहाँ पर कुछ ट्राइबल किंगडम्स भी थे, है ना, जो कि कौन जना या जो कि हाईएस्ट यूनिट होती थी जना ट्राइब, उसको उस समय कुछ ट्रिबल किंगडम्स भी थे जिसको बताया गया है, जैसे भरत, मत्स्यस, यदूस, पुरुष, और जो हेड करता था किंगडम को उसको क्या बोलते थे राजन या किंग,
क्या कहते थे, राजन या किंग, जो ट्रिबल किंगडम्स को, ट्राइबल किंगडम्स को हेड करता था, उसको क्या बोलते थे, राजन या किंग। और ऋग्वेदिक पॉलिटी में जो मोनार्कल थी, मतलब मोनार्की थी, वहाँ पर सक्सेशन वाज हेरेडिटरी थी, मतलब कि अगर किसी के पिताजी अगर किंग है तो उसका जो सन है वो भी किंग ही होगा, तो इसको क्या बोलते थे हम, हेरेडिटरी वहाँ पर थी। तो जो किंग था, किंग को असिस्ट करता था पुरोहित और प्रिस्ट। कौन करता था, पुरोहित या प्रिस्ट। और जो सेनानी होता था, जिसको कमांडर या आर्मी भी कहा जाता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। क्या देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन। और टू पॉपुलर बॉडीज जो कि सभा और समिति होती थी उस समय, तो जो सभा होती थी वो एल्डर्स की होती थी, और समिति जिसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, इसमें जैसा दिया हुआ है, फॉर्मल सीम्स टू हैव काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो सभा होती थी वो एल्डर्स की होती थी, और जो लेटर थी वो जनरल असेंबली होती थी, जिसमें एंटायर पीपल पार्टिसिपेट कर सकते थे एक्सेप्ट वुमेन। नहीं सॉरी, जो सभा होती थी उसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, समिति में सब जनरल असेंबली होती थी जिसमें एंटायर पीपल पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो अब सोशल लाइफ देखते हम, तो जो सोशल लाइफ है ऋग्वेदिक पीरियड का, वो पैट्रिकल होता था, मतलब वहाँ पर मेन जो होता था, मेंस जो सोसाइटी थी वो मेंस लोगों की होती थी, मतलब कि जो पिता 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 मेन होता था वहाँ पर, तो पैट्रिकल होती थी। और जो बेसिक यूनिट होती थी सोसाइटी की, वो फैमिली होती थी, या ग्राम बोलते थे जिसको। सो हेड ऑफ एंटायर फैमिली नोन एज गृहपति, जो मतलब किसी भी फैमिली होती थी, एक फैमिली में जो हेड होता था उसको गृहपति बोला जाता था। उसके बाद मोनोगेमी वाज जनरली प्रैक्टिसाइज्ड। मोनोगेमी मतलब कि एक ही पत्नी रख सकते थे, एक के अलावा आप दो पत्नी नहीं रख सकते, तो मोनोगेमी वाज जनरली प्रैक्टिसाइज्ड। वाइल पॉलोगेमी वाज प्रिवलेंट, पॉलोगेमी मतलब कि जो बहुविवाह होता था वो नहीं होता था वहाँ पे, किसके बीच में, रॉयल और नोबल फैमिली के बीच में। पॉलोगेमी प्रिविलेंट था और मोनोगेमी जनरली प्रैक्टिसाइज होता था। सो जो वाइफ होती थी वो हाउस होल्ड का ध्यान रखती थी, और कुछ मेजर सेरेमनीज होती थी। वुमेन वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मैन देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो जो वुमेन होती थी वो राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी और स्पिरिचुअल में भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। ये मेन डेवलपमेंट था अर्लियर वैदिक पीरियड का। उसके बाद जो रॉयल किसके बीच, और हाँ या फिर वुमेन पोइट्स भी उस समय थी, जैसे अपाला, विश्वेश्वरा, गोशा, लोपमुद्रा, ऋग्वेदिक पीरियड। तो इससे पता चलता है कि जो वुमेन्स थी वो पार्टिसिपेट करती थी उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। और वैदिक पीरियड में जो वुमेन्स थी वो अटेंड कर सकती थी पॉपुलर असेंबलीज, और देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, तो कोई चाइल्ड मैरिज का वहाँ पर कोई अभी साक्ष्य नहीं मिले हैं। और द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज अब्सेंट, तो सती प्रथा का भी कोई वहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, तो सती प्रथा भी अब्सेंट थी वहाँ पर। बोथ मैन एंड वुमेन अपर एंड लोअर, हाँ, बोथ मैन एंड वुमेन वोर अपर एंड लोअर गारमेंट्स। सो मैन और वुमेन दोनों ही अपर और लोअर गारमेंट्स पहनते थे, जो कि बने होते थे कॉटन और वुल के। फिर वैरायटी ऑफ गारमेंट्स वर यूज्ड बाय बोथ मैन और वुमेन। तो जो गहने थे वो बोथ मैन और वुमेन दोनों ही पहनती थी। फिर वीट एंड बेरली, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड एंड घी, वेजिटेबल फूड्स वर द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड। तो जो वहाँ पर फूड यूज़ करते थे वो वीट, मतलब गेहूँ, उसके बाद बाजरा, फिर मिल्क, और उसके जो बने हुए प्रोडक्ट जैसे दही, घी, और जो भी वेजिटेबल्स और फूड्स है वो सब मेन फूड आइटम होते थे। फिर ईटिंग ऑफ काउस मीट वॉज प्रोहिबिटेड, मतलब कि जिसको बीफ बोलते हैं, बीफ वहाँ पर प्रोहिबिटेड था, मतलब वहाँ पर बीफ नहीं खा सकते थे। फिर हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक एंड डांस वर फेवरेट पास टाइम्स, मतलब वहाँ पर टाइम पास के लिए हॉर्स रेसिंग, डाइस डाइस
डाइसी मतलब एक डाइस टाइप का आता है जो जिससे खेलते थे वो लोग, म्यूज़िक जो डांस ये सब कर कर वो लोग टाइम पास करते थे। सोशल डिवीज़न वर नॉट रिजिड, मतलब जो कि जिस तरीके से हम बोलते कास्ट टाइप में उस तरीके से इतना रिजिड नहीं था ऋग्वेदिक टाइम में। अब हम इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन ऋग्वेदिक आर्यंस वर पेस्टोटोरियल, मतलब कि वो कल्टीवेशन करते थे। फिर ऑक्यूपेशन वाज कैटल रियरिंग, तो जो फिर देयर वेल्थ वाज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कैटल, मतलब कि कितनी गाय हैं वो गायों के हिसाब से वो लोग संपत्ति को काउंट करते थे। व्हेन दे परमानेंटली सेटल इन नॉर्थ इंडिया दे बिगन टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, तो जैसे ही वो नॉर्थ इंडिया में सेटल हुए तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना चालू करा विद द नॉलेज एंड यूज़ ऑफ आयरन। और जैसे कि जैसे उनको नॉलेज होने लगा आयरन का तो क्लीन फॉरेस्ट मतलब उन्होंने जंगल साफ करना चालू करा। ब्रिंग मोर लैंड्स अंडर कल्टिवेशन, मतलब कुछ और जो भूभाग है ज़मीन का वो उनके अंडर में आया, जिस वजह से उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। फिर कारपेंट्री वाज अनदर इम्पोर्टेंट प्रोफेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो जो वुड कटता था फॉरेस्ट से उससे कारपेंट्री स्टार्ट करा उन्होंने काटना। फिर उससे जो वेरियस टाइप के हट्स भी बनाए जाते थे। फिर कारपेंट्री प्रोड्यूस्ड चेरोट्स एंड प्लॉक्स, फिर वो हल हल बनाने लगे। फिर अलग अलग तरीके के उससे जो वुड आता था उससे डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने लगे। फिर वर्कर्स इन मेटल मेड अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स विद कॉपर, कॉपर से भी डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाने लगे जो कि यूज़ होने लगे थे। ब्रॉन्ज आयरन का भी यूज़ था जैसे यहाँ लिखा हुआ है, चूँकि ये आयरन पीरियड माना गया है तो इसमें आयरन का भी यूज़ हुआ था। गोल्ड स्मिथ वर एक्टिव इन मेकिंग ऑर्नमेंट्स, मतलब कि जितने भी गहने हैं वो बनाए जाते थे उस समय सुनारों के द्वारा। फिर ट्रेड वाज कंडक्टेड ऑन बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम के द्वारा ट्रेड होता था। लेटर टाइम्स गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड निशका, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि जो अर्लियर पीरियड में किस नाम से जाना जाता था और लेटर पीरियड में किस नाम से जाना जाता था करेंसी को, तो गोल्ड कॉइन्स जो करेंसी थी तो गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे, निशाका। अब हम रिलीजन रिलीजन पर बात करते हैं, तो जो रिलीजन है ऋग्वेदिक आर्यंस वर्शिप्ड द नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ फायर वाइंड विंड रेन थंडर, तो जो ऋग्वेदिक आर्यंस थे वो किस किन देवताओं की पूजा करते थे, जैसे धरती आग हवा पानी और तूफान, इन तरह के लोगों की पूजा करते थे। फिर दे पर्सनिफाइड दोस नेचुरल फोर्सेस इन टू मैनी गॉड्स एंड वर्शिप देम, तो वो इन लोगों को एज अ गॉड ट्रीट करते थे और उनकी पूजा करते थे। इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स वर पृथ्वी अर्थ अग्नि फायर वायु विंड वरुण रेन एंड थंडर इंद्र। सो इंद्र वाज द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम, जो इंद्र थे सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे उन सब में। फिर उसके बाद इंद्र के बाद अग्नि हु रिगार्डेड एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, जो अग्नि थी वो गॉड्स और पीपल के बीच में मध्यस्थ मतलब इंटरमीडिएटरी थी। फिर जो वरुण वाज सपोज टू बी अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर, जो वरुण थे वो नेचुरल क्लाइमेटी के लिए अकाउंटेबल थे। उसके बाद फीमेल्स गॉड लाइक अदिति एंड उषास, इम्पॉर्टेंट है ये कि वहाँ पर जो फीमेल गॉड थी वो थी अदिति और उषास, तो इससे पता चलता है कि वुमेन एम्पावरमेंट और जो वुमेन्स को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है उस समय। देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडियल वर्शिप, मतलब कोई भी पूजा नहीं होती थी और कोई भी टेम्पल नहीं था, मतलब मूर्ति पूजा जिसको बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी और कोई भी टेम्पल नहीं था। फिर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में, अब हम जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड है जो कि 1000 से 600 BC माना गया है। तो जो सर्वल ट्राइबल ग्रुप्स एंड किंगडम्स आर मेंशन इन लेटर वैदिक लिटरेचर, तो जो लेटर वैदिक लिटरेचर है उसमें कुछ ट्राइबल ग्रुप्स और किंगडम्स के बारे में बताया गया है,
जिसमें से कुछ लार्ज किंगडम भी है, जैसे कुरु और पांचाला किंगडम्स जो कि फ्लोरिश थे बिगनिंग में किसके लेटर वैदिक पीरियड में, और परीक्षत एंड जमजया वर फेमस रूलर ऑफ कुरु किंगडम। जो कुरु किंगडम थे उसके जो फेमस रूलर्स थे वो कौन से, परीक्षित और जनमजया। उसके बाद परवहन जेमवली वॉज अ पॉपुलर किंग ऑफ पांचाला। तो जो परावहन और जो जैमवाली था वो पॉपुलर किंग थे किसके, पांचाला के। फिर आफ्टर द फेल ऑफ कुरुस एंड पांचाल्स अदर किंगडम लाइक कोशाला काशी एंड विद्या वेदई केम इनटू प्रोमिनेंस। तो जैसी कुरुस और पांचाला फेल हुआ उसके बाद जो दूसरे किंगडम्स हैं वो अस्तित्व में आए, जैसे कोशाला काशी वेद्या। तो फेमस रूलर ऑफ काशी वास अजातशत्रु। जो अजातशत्रु है वो काशी का रूलर था, फेमस रूलर, ये इम्पोर्टेंट है इसको नोट कर लिया जाए। सो जनका वाज द किंग ऑफ वेद्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनका जो था किंग था वेद्या का, उसकी कैपिटल कौन सी थी, किसकी, जनका ने जो वेद्या बनाया था उसकी कैपिटल क्या थी, मिथाली, मिथिला, मिथिला जो थी इसकी कैपिटल थी किसकी, विद्या की। जो कोर्ट वॉज एडजॉर्न बाय स्कॉलर यजनवल्का, जो यजनवल्का जो थे वो स्कॉलर थे कोर्ट, कोर्ट स्कॉलर किसके, जनका के। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि जो यजनवल्का थे वो किसके कोर्ट स्कॉलर थे, तो जो जनका थे उनके कोर्ट स्कॉलर थे। फिर मगध अंग और वेंगा सीम्स टू बी ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम। तो जो मगध अंगा और वंगा है वो ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम्स थे। तो ये हमारा बेसिक था लेटर वैदिक पीरियड का। अब हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। तो लेटर किंगडम्स वर फॉर्म ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। मैनी जना एंड ट्राइब्स वर अमलगमेटेड टू फॉर्म जनपदास और राष्ट्रास इन लेटर वैदिक पीरियड। तो जो लेटर वैदिक पीरियड में जो ट्राइब्स थी, जो जना था, वो राष्ट्र और जनपद में कन्वर्ट हो गए। एंड जो इंक्रीज अलॉन्ग विथ इंक्रीज साइज ऑफ किंगडम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे किंगडम की साइज भी बढ़ती गई। तो किंग परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस टू स्ट्रेंथन हिज पोजिशन। और जैसे जो किंग थे वो अपनी पोजिशन हाई रखने के लिए डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स और सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, इंक्लूड राजसूय, अश्वमेध एंड विजयप्या, वाजपेय। सो जैसे राजसूय यज्ञ जो कंसेशन सेरेमनी होती थी, अश्वमेधा जो कि हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, वाजपेय जो कि चैरियट रेस होती थी। तो ये डिफरेंट टाइप के रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे किंगडम किंग के द्वारा। और द किंग आल्सो अस्यूम्ड टाइटल लाइक राजविश्वजना अहिल्या भूतवनपति अधिभूपति, फिर लॉर्ड ऑफ अर्थ, उसके बाद एकरथ एंड सम्राट। तो ये डिफरेंट टाइप के टाइटल रखे जाते थे किंग के द्वारा। फिर वैदिक पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सॉरी न्यू ऑफिशियल्स फॉर इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग पुरोहित एंड ग्रामीणी। तो जो न्यू ऑफिशियल्स थे वो इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एग्जिस्टिंग थे वो पुरोहिता और सेनानी और ग्रामीणी थे। इंक्लूड द ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर। जो ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर, ये न्यू ऑफिशियल्स थे जो कि प्रीरेग्विट पीरियड में नहीं थे। अब हमारा अगला डिस्कस करते हैं हम इकोनॉमिक कंडीशन। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आयरन वाज एक्सटेंसिवली यूज इन दिस पीरियड। तो आयरन बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया गया था इस टाइम पर क्लियर फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए।
और ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब और जमीन भूभाग को कल्टीवेशन के लिए बनाने के लिए और एग्रीकल्चर को करने के लिए. फिर जो मेन जो उनका चीफ ऑक्यूपेशन था वो था एग्रीकल्चर. फिर नॉलेज ऑफ मैनर वाज अनदर इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री एक्टिविटी. जैसे जैसे उनके पास नॉलेज आया तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होना चालू हुई. मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पोट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस. तो ये सब होने लगे जिसकी वजह से प्रोग्रेस अच्छी होने लगी. फिर इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बिकम एक्सटेंसिव. तो इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में होने लगे. फिर लेटर वैदिक पीरियड वर फैमिलियर विथ सी सी दे ट्रेडेड विथ कंट्रीज लाइक बेबलॉन. तो जो लेटर वैदिक पीरियड में जो पीपल थे वो फेमिलियर हो गए थे सी से, और जो ट्रेड करते थे डिफरेंट कंट्रीज से. अ क्लास ऑफ हेडेट्री मर्चेंट जो कि वनिया केम इन टू एग्जिस्टेंट. तो जो मर्चेंट की क्लास थी वो एग्जिस्टेंस में आई, और जो कि हेडेट्री थी मतलब कि वही जो पिता के बाद पुत्र उस चीज को संभालता था. फिर वेश्यास आल्सो कैरिड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स. जो वेश्यास होते थे वो भी ट्रेड और कॉमर्स संभालते थे. मतलब इन दिस पीरियड यू कैन से दैट कास्ट सिस्टम इन टू एग्जिस्टेंस, बट छुआछूत टाइप में उस समय नहीं था. तो दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन टू गिल्ड्स नोन एज गनास. तो जो गिल्ड होते थे उनको गनास बोला जाता था. फिर जो निशाका ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. जो निशाका होती थी वो गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स होती थी. प्रीवियस में उसको क्या बोला गया है ये आप मुझे कमेंट में बता देंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है निशाका, जो कि गोल्ड और सिल्वर है, और इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है लेटर ऋग्वैदिक पीरियड में और प्री ऋग्वैदिक पीरियड में. अब हम सोशल लाइफ जानेंगे कि वहाँ का सोशल लाइफ कैसी थी. तो फोर डिविजन्स थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस और शूद्रस. तो जो वर्ण सिस्टम था वो स्टेब्लिश हो चुका था इस पीरियड में. सो लेटर वैदिक पीरियड में दो हायर क्लासेस थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जो कि एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस. फिर डिनाइड टू वैश्य एंड शूद्र. तो जो शूद्र और वैश्य होते थे उनको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे. फिर ब्राह्मण ऑक्यूपाइड हायर पोजीशन, ब्राह्मण जो होता था वो हायर पोजीशन अक्वायर करके रखता था. क्षत्रिय को वो पोजीशन कभी कभी मिल जाती थी. फिर क्षत्रिय क्लेम्ड अ हायर स्टेटस ओवर ब्राह्मण. जो क्षत्रिय होते थे वो हायर स्टेटस मिलता था ब्राह्मण से. फिर इन फैमिली पावर ऑफ फादर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. नो इम्प्रूवमेंट स्टेटस ऑफ वुमेन. तो वुमेन की स्थिति दयनीय हो गई थी इस पीरियड से. फिर स्टिल कंसिडर्ड इंफेरियर एंड सबॉर्डिनेट टू मैन एंड वुमेन. तो जो वुमेन होती थी वो सबॉर्डिनेट होती थी मेंस के. और लॉस देयर पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज. सो जो वुमेन्स थी वो उनका राइट्स खो चुकी थी असेंबलीज को अटेंड करने का. चाइल्ड मैरिज हैड बिकम कॉमन. जो चाइल्ड मैरिज होती थी वो कॉमन हो चुका था. फिर अतरण्य ब्राह्मण, जिसमें सती प्रथा का भी बताया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है. जैसे अतरण्य ब्राह्मण अ डॉटर ऑफ हैज बिन डिस्क्राइब्ड सोर्स ऑफ मिसरी. हाउएवर वुमेन रॉयल हाउसहोल्ड एंजॉय प्रिविलेजेस. जो डॉटर होती थी, जो अतरण ब्राह्मण के अनुसार डॉटर हैज बिन डिस्क्राइब्ड अ सोर्स ऑफ मिसरी, मतलब कि जो पुत्री होती थी उनको दुख का कारण बताया गया है अतरण्य ब्राह्मण में. और रिलीजन, सो गॉड्स, अब रिलीजन के बारे में डिस्कस करते हैं हम. गॉड्स ऑफ अर्लियर वैदिक पीरियड लाइक इंद्र, अग्नि लॉस देयर इम्पोर्टेंस. तो जो इंद्र अग्नि थे वो उनके इम्पोर्टेंस खो चुके थे. प्रजापति द क्रिएटर, विष्णु द प्रोटेक्टर एंड रुद्र द डिस्ट्रॉयर, ये एग्जिस्टेंस में आ चुके थे. फिर जो जो गॉड थे वो ये तीनों को माना गया था. फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर्स डिक्लाइन. जो प्रेयर की जो इम्पोर्टेंस है वो जा चुकी थी. दैट सेक्रीफाइस हैज़ सेक्रीफाइसेस इंक्रीज. जो सेक्रीफाइसेस होते थे बलि देना, ये इंक्रीज हो चुके थे. प्रिस्टहुड बिकम अ प्रोफेशन
एंड हेरेडिटरी वन, तो जो प्रिस्ट रूट था वो एक प्रोफेशन बन चुका था, मतलब जो ब्राह्मणगिरी करना होता था एक प्रोफेशन बन चुका था, और ये हेरेडिटरी था मतलब कि पिता के बाद पुत्र करेगा, इस टाइप से ये चलता था। फार्मुलेट फॉर सेक्रीफाइसेस वर इन्वेंटेड, जो फार्मूला होता था मतलब कि जैसे कि अगर कुछ सेक्रीफाइस करना है तो उसके लिए कैसे कैसे रिचुअल्स रखना है, तो उसका एक सेट ऑफ क्रोनोलॉजी होती थी, तो वो इन्वेंटेड की जा चुकी थी। फिर एंड ऑफ दिस पीरियड देयर वॉज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट प्रिस्टली डोमिनेशन एंड अगेंस्ट सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल्स। तो जैसे जैसे एंड होता गया इस पीरियड में, तो इस पीरियड में जो प्रिस्टली डोमिनेशन था मतलब कि जो ब्राह्मणों का जो प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था, और सेक्रीफाइस और रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होने लगे थे, तो इनके खिलाफ़ आवाज़ें उठना चालू हो गई थी। उसके कारण फिर राइज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन्हीं के कारण फिर राइज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म आया, और अस्तित्व में बुद्धिज्म जैनिज्म आया। फिर ऑथर ऑफ उपनिषद विच इज़ दी असेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी, फिर जो उपनिषद के जो ऑथर है उन्होंने हिंदू फिलोसफी का असेंस बताया। एंड टर्नेड अवे फ्रॉम द यूजलेस रिचुअल्स एंड इंसिस्टेड ऑन ट्रू नॉलेज जना फॉर द पीस ऑफ सेल्वेशन। फिर जो जैसे जैसे ज्ञान आने लगा, तो जो शूद्रास और वैश्यास थे जिनको समाज में एक उच्च दर्जा नहीं दिया जाने लगा था, तो उन लोगों ने वो अपना स्थान छोड़कर बुद्धिज्म और जैनिज्म की ओर आकर्षित होने लगे, उन्होंने वो चीज़ ज्वाइन ज्वाइन करने लगे। सो आज का हमारा ये ऋग्वेदिक पीरियड ख़त्म हो रहा है, और अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, जैसे अर्लीस्ट ऑफ द वेदास, तो अर्लीस्ट ऑफ द वेदास कौन सा है, ऋग्वेद। फिर प्रभाना जम्बोवली पॉपुलर किंग ऑफ, तो प्रभाना जम्बोवली जो थे वो पॉपुलर किंग किसके थे, काशी के थे, काशी के थे या कुरु के थे। तो या उसके बाद जो मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं, जो निशाका थी ये क्या थी, ये कॉइन था। फिर जो उषास है ये क्या थी, गोडेस थी। अपाला, अपाला क्या थी, ये वुमेन पोइट थी। फिर जो कृष्णाला है ये क्या है, ये ऋग्वेदिक पीरियड का कॉइन है ना, और ये निशाका है जो लेटर वैदिक पीरियड का कॉइन है। सो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एग्जाम स्पार्टन।